मांगता है ना। यस यो वो प्रभु राज जी के पास कॉलेज की सर्टिफिकेट नहीं थी प्रोफेसर का, ठीक है, लेकिन फिर भी एजुकेटेड थे। यस यू नो, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा क्यों है? इट इज अ गुड प्रैक्टिकल एजुकेशन। दर दर की ठोकरे, कांटे, पत्थर, लोगों से मिले, किसी को मारा, किसी को काटा, राक्षस को मारा, उससे दोस्ती की, भीष्म से दोस्ती की, बाली के भाई सुग्रीव से दोस्ती की, भाई 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 लड़ रहे थे उससे दोस्ती की सच्चाई के लिए, और मुझे जरूरत है तुझे तेरी, तो तेरे भाई को अपन निपटाएगा, टेंशन मत ले, बोले राम ने इनको भी जरूरत थी। और एक बात और सच्चे, अधिकार कभी भी जिंदगी में मिलता ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है, छीन के लेना पड़ता है। यस यू नो, यस यू नो, कुछ तो बोल रहे हम, काय को बोल रहे, यस यू नो, चाहे तो मिले। बात याद रखना, मैं बताना चाहता हूं आपको कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन मान जा, ये तेरा अधिकार देंगे नहीं, तुझे लड़ना होगा, युद्ध करना होगा। वो बोलते कल ये लड़ेगा नहीं, ये पब्लिक कंपनी होगी, तो पहले इस पब्लिक को निपटाने के लिए मेरे को मिलाना पड़ेगा। यस यू नो, लेकिन ये विधि का विधान भी था मेरे दोस्त कि जो वो योद्धा नहीं मरते तो आज भी वो जिंदा रहते हैं। यस यू नो, हर एक चीज की एक लिमिटेड होती है, तो इसका भी लिमिटेड होगा, इस शख्स का भी लिमिटेड होगा, कंपनी भी भागेगी। सच बता रहा, लेकिन सच क्लियर कर ही जाऊंगा कि यह है क्या चीज। बात की पिक्चर थी, तो पिक्चर कहां शुरू हुई थी कि कृष्ण ने क्या कहा था कि हे अर्जुन उठा धनुष, इधर मार, नहीं बट्टू ये मेरा भाई है, मैं नहीं मार सकता उसे, नहीं नहीं बट्टू ये मैं इसकी गोद में खेला हूं, ये भीष्म पितामह है, मैं इसको नहीं मार सकता हूं, नहीं बट्टू मैं नहीं मार सकता हूं, क्योंकि इसके साथ खेला हूं मैं, उससे सीखा हूं मैं नहीं मार सकता हूं। ओके, समझा रहा, बार 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 बार, एक बार गुस्सा आ गया प्रभु कृष्ण को, हट कायर, एक ही सिर्फ एक ही शस्त्र उठाऊंगा, पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, धर्म युद्ध, धर्म युद्ध है ये, और तेरा अधिकार तुझे मिलेगा नहीं, उठा धनुष, उठा उठा धनुष, और उसने उठाया धनुष और लड़ना शुरू किया। दोस्त वही कृष्ण वाली बात याद रखना, जिंदगी में तुम्हारा अधिकार है ना, ना तो तुम्हारा भाई देगा, ना ये समाज देगी, ना ये दुनिया देगी, दुनिया से तो लेना पड़ता सर, टैलेंट से लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दुकान पे जाना पड़ेगा, अपने कर्म को करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो घर बैठे बैठे रहो, जाना मिल जाएगा। इसी प्रकार इस शख्स ने, ये जब मैं आज से 15 साल पहले 15 इयर्स पहले दो भैंसे चराते चराते, दो भैंस थी एक बकरी थी, मुझे मालूम था, आज भी छोटी सी उम्र थी, और जिंदगी में गांव में जाकर अपना अचानक एक सपना देख डाला कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे कुछ दुनिया में कुछ ऐसा काम करके दिखाना है जो लोग मुझे पहचाने। बोले क्या करेंगे, बोले काम करो, कुछ तो करो, एजुकेशन लेनी होगी, और एजुकेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, इंजीनियर। प्लीज टेल मी, और जितने भी लोग बैठे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक भी इंसान अपनी आंखों को सिर्फ चाय पिएगा होश से, और आंखें इधर से देखेगा, और ब्लूटूथ कनेक्ट है, और जिस इंसान का ब्लूटूथ मेरे से कनेक्ट हो गया, तो रियल आप तो सिर्फ ये बताना कि सर ये सच है और ये गलत है, मैं आपकी तरफ हूं। आज किसी कंपनी का अपन को वो बाहर वाली वाली बातें नहीं करनी है, सच बात करनी, और मैं सफर शुरू करता हूं कि मैंने अपने जीवन का पहला सफर शुरू किया कि इंजीनियर बनूंगा, और इंजीनियर बनने का सपना देखा कि एकदम स्टॉप, इंजीनियर को बैठा हुआ है यहां कोई शख्स है, हाथ खड़ा करें, गुड, आई लाइक यू, थैंक यू सो मच, हमारे पास में एक इंजीनियर भाई साहब बैठे हुए, मैंने की मैं एमबीए करूंगा, इंजीनियर नहीं करूंगा, एमबीए करूंगा, एमबीए को स्टूडेंट्स बैठा हुआ मेरे बीच में, बहुत सारे होंगे मेरे बीच में, गुड गुड, आई लाइक दिस, एमबीए नहीं 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 उनको ये भी नहीं करना, अपन को तो गांव की भाषा में बोला था, मारे तो करना है डॉक्टर बनूंगा, उनको कहीं बनूंगा डॉक्टर, आई लाइक दिस डॉक्टर, डॉक्टर की प्रोफेशनल चेक किया, दिन भर था बॉस डॉक्टर होगा, डॉक्टर सपने एक गाड़ी
प्लीज कोई डॉक्टर बैठे तो अलग अलग नहीं रहे, मैं तो सिर्फ मैंने अपनी लाइफ की कैलकुलेशन की थी श्रीमान जी, और जिंदगी में जिस इंसान ने